वेलकम बैक टू माय चैनल हर्षिल कॉमन टॉपिक। और आज मैं आपके लिए लाई हूँ एक नया वीडियो। प्लीज बैकग्राउंड म्यूजिक को इग्नोर कीजिएगा, आज शिवरात्रि है तो इस वजह से बहुत ज्यादा शोर हो रहा है। मैं आज अपना मेकअप क्रिएट करूंगी। अभी मैंने अपने फेस में कुछ भी नहीं लगाया, सिर्फ लिप बाम लगाया हुआ है। और आज मैं इसके साथ अपना मेकअप करूंगी। ये वाइट टोन सॉफ्ट एंड स्मूथ फेस क्रीम है, सन प्रोटेक्शन से भी है, इसमें दिया हुआ सन प्रोटेक्शन कर दिया ये। और ये मुझे 75 रुपी की मिली है। ये कुछ इस तरह से इसके अंदर से ये क्यूब फॉर्म में आता है ये। और मैंने काफ़ी सुना था इसके बारे में, काफ़ी टाइम से सोच रही थी इसे यूज़ करना, बट मैं यूज़ नहीं कर रही थी। तो आज मैं फर्स्ट टाइम यूज़ कर रही हूँ, तो सोचा आप लोगों के साथ नहीं इसे यूज़ करूँ और इसका रिव्यू भी दे दूँ। और इसके साथ मैं वाइट टोन पाउडर का भी यूज़ करूँगी। पाउडर तो मैंने बहुत यूज़ किया, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद भी है ये पाउडर। अभी मैंने सिर्फ मॉइस्चराइजर लगाया हुआ है निविया का, इससे ज़्यादा मैंने फेस में कुछ भी नहीं लगाया। तो चलिए देखते हैं इसका कैसे ये क्रीम किस तरह से वर्क करती है, कैसा लुक आता है इसको लगाने के बाद। तो लगाती हूँ मैं इसे थोड़ा थोड़ा लगाऊंगी अभी तो मैं। म्यूजिक को प्लीज इग्नोर कीजिएगा, बहुत ज्यादा शोर हो रहा है। इसे आप अच्छी तरह से लगाइए और ब्लेंड बहुत अच्छे से कीजिए। इसको लगाने के बाद चेहरा बहुत वाइट सा दिख रहा है, बहुत ब्लेंड करना पड़ रहा है। देख सकते हो आप लोग, बहुत ब्लेंड करना पड़ रहा है मुझे। मुझ पे तो ये बहुत वाइट वाइट सा दिख रहा है। आप लोग ये देखिए कितना वाइट फेस दिखने लगा इसे लगाकर। लगाने पे तो ये स्मूथ है और सॉफ्ट भी लग रहा है इसे लगाने के बाद। अब मैं लगाऊंगी अपना वाइट टोन पाउडर। तो ये मैंने ले लिया है और इसे मैं डैप डैप करके लगाऊंगी। मुझे इसका पाउडर तो बहुत ही पसंद आया था, क्रीम भी ठीक है, बट मुझे इतना, मैं इसकी बुराई तो नहीं कर रही, ठीक है, बट ये वाइट मैं सारे ऐसे लगाने पे तो वो वाइट वाइट सा अच्छा नहीं लगता फेस पे। बाकी आप इसे लगा सकते हो क्योंकि सन प्रोटेक्शन करती है ये, तो गर्मियों के लिए ठीक है। बाकी इसका टेक्स्चर भी ठीक ठाक ही है। 75 में आपको क्या मिलेगा, तो मुझे ठीक लगी लगाने पर। ये देखिए मेरा चेहरा कितना वाइट दिख रहा है। डेली मैं ठीक है लगा सकते हो। हो सकता है ये थोड़ी देर बाद सेट हो जाए स्किन पे। तो इस तरह से ये इसका लुक आया है। अब मैं अपनी लिपस्टिक लगाऊंगी, फिक्स ब्यूटी की लिपस्टिक लगाऊंगी मैं। तो मैं ये लगाऊंगी और ये देखिए कितना सुंदर कलर है ये। मैंने अभी सिर्फ लिप ग्लॉस लगाया है लिप बाम। देख लीजिए मैंने लिपस्टिक लगा लिया, काफी अच्छा फेस दिखने लगा लिपस्टिक लगाने के बाद। और अब मैं हिमालय का काजल भी लगाऊंगी थोड़ा बहुत, ज्यादा डार्क नहीं करूंगी, हल्का फुल्का। प्लीज बैकग्राउंड म्यूजिक के लिए मैं कुछ नहीं कर सकती, तो उसके लिए प्लीज प्लीज सॉरी। तो काजल मैंने लगा लिया, आप देख लीजिए। और अब मैं लगाऊंगी बिंदी, क्योंकि आज मैंने साड़ी पहना है तो मुझे बिंदी लगाना बहुत ज्यादा अच्छा लगता है साड़ी के ऊपर।
तो ये है मेरा फाइनल लुक। आई होप आप लोगों को ये लुक अच्छा लग रहा होगा। मेरे बालों को प्लीज इग्नोर करना, आज भी मैंने शैम्पू किया है। तो ये है व्हाइट टोन ट्यूब के साथ काज का मेकअप जो मैंने क्रिएट किया आप लोगों के सामने। मुझे तो ठीक लग रहा है बट वाइटनेस बहुत ज्यादा ही दिख रहा है इसे लगाने के बाद। मैंने नेक कवर नहीं किया है आज, हल्का फुल्का कवर किया था भाई, मेरी स्किन पे इतने अच्छे से वर्क नहीं किया इसने। फेस पे तो ठीक ही ठीक है, बाकी आप इसे डेली में लगा सकते हो, गर्मी का टाइम है क्योंकि इसमें सन प्रोटेक्शन लिखा हुआ है। तो थम्स अप ठीक है मेरे लिए, ये इतने कम प्राइस में आपको अवेलेबल है ये, और इसका पाउडर तो बेस्ट है ही। तो मिलूंगी मैं आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय। और प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल, प्लीज आप लोग सपोर्ट करेंगे तभी मैं आगे बढ़ूंगी। तो लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा मेरे चैनल पर। तब तक के लिए टेक केयर, बाय।